अपने बड़बोलेपन के कारण चर्चित भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर का इन दिनों एक वीडियो बेहद वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे जो बातें कह रही है उसकी सभी दूर हंसी उड़ाई जा रही है। उन्होंने ये कहा कि विपक्ष द्वारा एक मारक यंत्र का उपयोग किया गया है, यानी मारक शक्ति का उपयोग किया गया है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक के बाद एक मौत हो रही है। उन्होंने सुषमा स्वराज से लेकर बाबूलाल गौर और अरुण जेटली की मृत्यु को लेकर सवाल उठाते हुए यह कहा कि विपक्ष द्वारा एक मारक यज्ञ किया गया था और इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर मौत के बादल मंडरा रहे हैं। कुल मिलाकर उनके इस बयान के बाद राजनीति में तूफान आ गया है। कहा जा रहा है कि इतनी अंधविश्वास से भरी बातें क्यों की जा रही और क्या इन बातों का कोई औचित्य है। कुल मिलाकर इस समय यह पूरा मामला बेहद गर्माया हुआ है और इसमें कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शोभा ओझा ने तो यहाँ तक सुझाव दे दिया कि प्रज्ञा ठाकुर को पागलखाने भेज दिया जाना चाहिए। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने भी यह कहा कि इस पूरा मामले में जो बातें कही जा रही वे बेबुनियाद हैं और उनका कोई सिरपैर ही नहीं। साध्वी प्रज्ञा का बयान बेहद आपत्तिजनक है। उनका ये कहना कि कांग्रेस मारक शक्तियों का उपयोग कर रही है बीजेपी के नेताओं को मारने के लिए, अपने आप में दिखाता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। कभी वो गांधी जी के लिए अपशब्द कहती है, कभी नेहरू जी के लिए, और हद हो गई जो उन्होंने कांग्रेस के लिए ऐसा कहा। उन्हें शीघ्र से शीघ्र इलाज की आवश्यकता है और पागल खाना ही उनके लिए सही जगह है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।